हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर यानी कि पी एजुकेटर में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है यश और आप आ चुके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। अभी हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि क्लास 11 का काफ़ी अच्छा और काफ़ी डेप्थ में चैप्टर है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी हमने 5 वीडियोज़ कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 वीडियोज़ की लिंक डाल दी है। बाकी आपने वीडियो देखे कि नहीं देखे, ये 5th पॉइंट था जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको ये प्लीज़ ये वीडियो देखना चाहिए। आज के वीडियो में हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमने रेस्पिरेटरी में किया था एकदम स्टार्टिंग से एंड तक गए थे, उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जाएंगे। तो जिसको नहीं आ रहा कोई चिंता नहीं है, मैं एकदम अच्छे से लेके जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा मैं बीच बीच में रुकता रहूँगा, सॉरी वो मेरी एक नाक बंद है। ठीक है, तो थोड़ा वापस मेरे को जुकाम हो गया है, मौसम बदलता हुआ। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक होगा बीच बीच में, मतलब ऐसे रुक जाऊंगा मैं थोड़ा, मतलब ठीक है ऐसे सांस लेने के लिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ, छोटा मोटा भाई इंट्रोडक्शन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क दैट कैरीज ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। देखो, आपको पता है ये जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसमें 3 ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे ब्लड को कैरी करती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ACV, ठीक है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, तो ये 3 ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक पूरा नेटवर्क के जैसा होता है। ठीक है, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट काइंड्स हैव सेम टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सारे एनिमल्स का, बस छोटे मोटे एनिमल्स को छोड़ के, जैसे कि पॉरीफेरा है, आपने अगर आपको एनिमल किंगडम पढ़ा हो तो पता है आपको पॉरीफेरा एक ऐसा जानवर होता है, मतलब उसमें एग्जाम्पल जैसे स्पॉन्जेस, वो एक्वेटिक एनिमल्स होता है, तो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, बहुत सिंपल होता है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत कम एनिमल्स होते हैं जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता। ओके, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सप्लाइज द सेल ऑफ द बॉडी विद द फूड एंड ऑक्सीजन नीडेड टू सर्वाइव। ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सेल्स को फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जो हेल्प करते हैं हमें सर्वाइव के लिए। ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर आर सर्वाइवल, फूड इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर आर सर्वाइवल। तो ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारे सेल्स को ये सब प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स। अब आप लोग ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, भी हमने वो डायग्राम बताया था एल्वियोलाई वाला, यहाँ पे वो जा रहा है, हार्ट इधर बीच में था। ठीक है, तो आपको याद हो तो कोई बात नहीं, याद हो तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि अपना जो ब्लड होता है वो अच्छा खासा जाता है पूरी बॉडीज में, लेकिन जैसे ही बॉडीज उसको यूटिलाइज करती है तो गंदगी आ जाती है। अब आपने जैसे कि बर्गर लिया, ठीक है, आपने एक बर्गर लिया और आपके 4 दोस्त हैं, एग्जाम्पल समझना, आपके पास एक बर्गर है और आपके 4 दोस्त हैं। ठीक है, तो आपने सबने थोड़ा थोड़ा उसे खाया, पहले इसने इतना खा लिया, फिर इसने इतना खा लिया, फिर इसने इतना खा लिया, लास्ट का जो बचा वो उसको दे दिया, चारों ने मिलके खा लिया। ठीक है, अब उसमें यार थोड़ा देर खाते हो तो थोड़ा टमाटोज गिर जाता है, थोड़ा चटनी गिर जाता है वगैरह वगैरह, तो वापस चला जाता है, यानी कि वो वेस्ट है, वो अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे वो वेस्ट नहीं होता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इन्होंने यूटिलाइज किया, उसके बाद जो वेस्ट बचा उन्होंने वापस कचरे में दे दिया, उन्होंने वो खाया नहीं ऐसे, चटनी खा लेते, चूस लेते। ठीक है, उन्होंने चूसा नहीं वो सब चटनी वगैरह, उसने वो कचरे में डाल दिया, मतलब दे दिया सर्वेंट को। ठीक है, तो वैसे ही ऑक्सीजन आता है, अच्छा खासा ब्लड आता है हमारी बॉडी में, टिश्यूज यूटिलाइज करती है और जो गंदगी होती है वो भेज देती है वापस, और वो गंदे में क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सेल को रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड कैरीज द सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेगा वॉट इज द मेन रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या फंक्शन करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कुछ डिजीज से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, IMP में जब लिखता हूँ ना तब सही में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं बहुत जल्दी नहीं लिख देता ये IMP वर्ड। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे इस IMP वर्ड पे थोड़ा फोकस करो, इस पॉइंट पे एक बार देख लो एक बार। ठीक है, देख लिया, बहुत बढ़िया। द सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स विच हेल्प रेगुलेट द एक्टिविटी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे सिस्टम में केमिकल्स, एक केमिकल चीज़ होती है जो इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, हार्ट, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, अभी एक इंट्रो टाइप पढ़ा हमने, उसमें इंपॉर्टेंट क्या देखा हमने कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है और बॉडीज को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, और भी हमने बहुत चीज़ें देख ली, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स बॉडी इन दैट पम्प्स ब्लड। ठीक है, हार्ट जो होता है, ये हार्ट के बारे में बात करें। ठीक है, हार्ट जो होता है वो हॉलो होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है।
ठीक है, ये तो सबको पता है कि हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू पंप्स दैट लाई साइड बाई साइड, दो पंप्स होते हैं जो साइड बाय साइड होते हैं। मेरे को अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह होता है, मैं बायोलॉजिकल डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है, रियल वाला नहीं भाई, रियल वाला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये देखो दो पंप्स होते हैं, एक एयर पंप एक एयर पंप, जो साइड बाय साइड होते हैं, ठीक है। दिस पंप्स रिलैक्स व्हेन टेकिंग इन ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज दे सेंड आउट ब्लड, ठीक है, काफ़ी इजी पॉइंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा इसको। जैसे कि आपकी बॉटल है, एक आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, वो बॉटल में आपने पानी भर रखा है, वो एकदम रिलैक्स पड़ा हुआ है, तो वो पानी जब आप डालोगे तो एकदम रिलैक्स है, लेकिन आप जैसे ही इस बॉटल को पिचकाओगे, चप जैसे आप लोग मस्ती करते हो ना एक दूसरे को पानी डालने के, पिचका देते हो, तो पानी क्या बाहर आता है, एक फोर्सफुल आता है, फोर्सफुली बाहर आता है पानी, तो क्यों आया, क्योंकि आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया बॉटल को। उसी तरह हमारे हार्ट में जब ब्लड आता है तो वो रिलैक्स रहता है, पर जब उसको ब्लड को भेजना होता है पूरी बॉडी में तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक फोर्स जनरेट होगा, और जैसे वो फोर्स जनरेट होगा वो ब्लड पूरी बॉडी में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज स्ट्रॉन्गर पंप देन द राइट साइड, क्यों, क्वेश्चन पूछ लेगा, क्यों जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है राइट साइड से। आंसर इज विथ मी। एक्चुअली क्या होता है कि राइट साइड लेफ्ट साइड वाला जो होता है ना हमारा हार्ट, लेफ्ट साइड वाला इधर होगा, ठीक है, और ये राइट होगा, तो लेफ्ट वाला क्या करता है एक्चुअली, उसको पूरे बॉडी में, उसको अपने पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, तो उसको ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गर पंप रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड सेंड इट टू द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। अभी तक ये बस समझ लो, मैं आपको ये आगे आएगा सर्कुलेशन में आएगा तो उसमें बताता हूँ मैं भी आगे ही वीडियो में इसी। तो स्ट्रॉन्गर पंप जो होता है वो रिसीव करता है ब्लड और फिर वो लंग्स के पास जाता है और उसको सेल के पास भेज देता है। मैं अभी आपको इतना नहीं बताया। वीकर पंप रिसीव ब्लड फ्रॉम द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग्स। देखो लंग्स से आता है स्ट्रॉन्गर पंप में, वो पूरी बॉडी में देता है। वीकर पंप लंग्स को देता है, फिर वो वापस ब्लड में वापस हार्ट में आ जाता है। सर्कुलेशन अभी मैं पूरा बताऊंगा जिससे आपको एकदम ईजी होता है। तो लास्ट के दो पॉइंट्स अभी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट द हार्ट एट वर्क। अब हार्ट वर्क कैसे करता है ये देख लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप स्कूल में आराम करते हो और जब आप स्कूल में खेलते हो तब आपके हार्ट की सिचुएशन अलग अलग होती है, पोजिशन ही बोला सिचुएशन, ओके। तो क्या होता है, देखो पी का पीरियड है आपका स्कूल में, आपने टीचर को बोला मैम प्लीज़ हमको नीचे लेके जाओ ना ग्राउंड पे, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलना है। तो क्लास में जब आप बैठे थे तो आपका हार्ट एकदम नॉर्मली वर्क कर रहा था, कुछ बीटिंग नहीं। आप जब चेस्ट पे रख के देखना, आज क्लास कल स्कूल जाओगे ना तो कल स्कूल में रख के देखना हार्ट पे, मतलब हाथ दिल पे रख के देखना, तो आपका हार्ट इतना तेज पंप नहीं करेगा। लेकिन आप जैसे नीचे क्रिकेट खेलने गए, आपने बाउंड्री के पास मारा, लेकिन 3 रन भाग लिया आपने, बंदे ने पकड़ लिया एकदम चौका होने से रोक लिया, और आपने 3 रन भाग लिए, तो 3 रन भागने में आपकी सांस बहुत ऊपर नीचे हो गई, ठीक है, बहुत मतलब बहुत स्टेमिना चाहिए, लॉन्ग पिच होगी, तो आपने बहुत तेज भागा 3 रन भागने के लिए। फिर आप अपने चेस्ट पे हाथ रखना, तब आपकी हार्ट बीट देखना, आपको एकदम धुप 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 ऐसी हार्ट बीट सुनाई देगी, ठीक है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हार्ट बीट्स होती है। तो आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है भाई। पहले तो हम जानते थे कि हार्ट एक्चुअली होता कहाँ पे है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है हार्ट, लेकिन नहीं, वो बीच में होता है, सेंटर में होता है। बताता हूँ, पूरा बताता हूँ यार, ऐसे ये सब जो चैप्टर होते हैं ना इसको एकदम ऐसे लो कि यार क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, एक स्टोरी टाइप समझो यार, तभी फील आएगा पढ़ने का, ठीक है। तो ऐसे यार पी तो है, टाइम पास हो रहा है, ठीक है ठीक है, बस सर पढ़ा रहे हैं, मज़े हो जा रहे हैं, अपना तो काम हो रहा है। नहीं यार, ऐसे पढ़ोगे ना तो अभी के लिए याद रहेगा, आपको मेरा वीडियो वापस देखना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप पी जैसे सब्जेक्ट में मेरा वीडियो बार बार देखूँ। एक बार देखो, पर ऐसे देखो कि वापस ना देखना पड़े जब तक आपको वो एग्ज़ाम नहीं देनी है, ठीक है। तो एक बार ही देखो यार, आराम से देखो। लेकिन लोकेटेड इन द थोरैक्स, थोरैक्स कैविटी में होता है, थोरैक्स और नीचे एब्डोमिनल होता है, ऊपर थोरैक्स चैम्बर में होता है, बिटवीन द लंग्स एंड द अबव सेंट्रल डिप्रेशन डायफ्राम। ओके देखो, सॉरी, यहाँ पे आपके लंग्स होते हैं, यहाँ पे आपका डायफ्राम होता है, ओके। तो ये जो आपका हार्ट होता है, दोनों लंग्स जो होते हैं उसके बीच में होता है, और डायफ्राम नीचे ही होता है ऑफकोर्स लंग्स के, तो लंग्स डायफ्राम के ऊपर होगा हार्ट। पोजिशन समझ आ गया। 240 ग्राम से लेकर 320 ग्राम तक का इसका वेट होता है। सॉरी, आप तो इंग्लिश वाले बच्चे हो ना। 240 ग्राम से 320 ग्राम तक का इसका वेट होता है, ठीक है। सिचुएटेड क्लोजर टू द फ्रंट ऑफ द चेस्ट टू द बैक स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड। ये थोड़ा चेस्ट के पास में रहता है, मतलब क्लोजर टू द फ्रंट रहता है, ये आगे ज़्यादा रहता है, पीछे थोड़ा दूर रहता है, जैसे कि बीच में नहीं है, ना ही आगे ना ही पीछे, थोड़ा सा आगे है ये, ठीक है। तो आगे, जैसे अगर आपको मैं ऐसे ये यहाँ की बॉडी दिखाऊँ,
रेड मटर, हाँ ये आपका चेस्ट है ठीक है, ये आपका बैक है, चलो उल्टा कर लेते हैं, ये आपका चेस्ट है और ये आपका बैक है ठीक है। तो ये हार्ट आपका यहाँ पे रहेगा, बीच लाइन ये रही, बीच में नहीं है ना, इधर है, ये आगे है चेस्ट के पास, ये चेस्ट है ये बैक है ठीक है, तो चेस्ट के पास है वो, और थोड़ा सा वो लेफ्ट साइड टिल्टेड है, लेफ्ट साइड टिल्टेड है थोड़ा ठीक है। आगे तो हार्ट जो है वो फोर चैम्बर्स में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये फॉर द अंडरस्टूड डायग्राम ओके। हाँ तो ये देखो, ये फोर, देखो मैं 1 2 लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, देख लो फोर चैम्बर्स अपने हार्ट में, कौन से है ये देखो, ये जो है 1, ये है राइट एट्रियम, 2 राइट वेंट्रिकल, 3 लेफ्ट एट्रियम, 4 लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है। सबके काम क्या होते हैं ये आगे पता चलेगा, बस अभी देख लो कि इसके फोर चैम्बर्स होते हैं और जो ब्लड फ्लो होता है वो कंट्रोल होता है वाल्व्स के थ्रू। यहाँ पे आप देखोगे एरोज है इधर, तो वैसे मैंने बताया था, ये देखो बड़ा डायग्राम बना दे थोड़े, यहाँ पे ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, आपको नाम जाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है, बस ये वाल्व जो है ये इधर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं, ब्लड अगर वेंट्रिकल्स में आ गया तो एट्रियम में ना जा पाए, ये ध्यान रखते हैं वाल्व्स ठीक है। आगे देखें तो फंक्शंस ऑफ हार्ट, अरे यार ये बार बार क्यों ऐसे क्लिक हो रहा है, फंक्शंस ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ऑफकोर्स ब्लड को सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। अब आगे जो सर्कुलेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन ठीक है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है ये देखते हैं, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टू द हार्ट। देखो ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये इस टॉपिक की जान है ठीक है। ये देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ओके। तो देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ये हमारा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो जाता है हार्ट से दूर जाता है एंड रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे वो यूज हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हार्ट के पास, ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले गया टू द लंग्स, यहाँ पे लंग्स होगा, लंग्स के पास ले गया एंड रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास आ गया। समझ गए दोनों सर्कुलेशन, समझ गए, एकदम इजी है यार, एकदम मतलब बार बार आप देखो एक बार याद रखोगे ना आपको याद रहेगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन नीचे वाला होता है, पल्मोनरी ऊपर वाला होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन हैज ग्रेटर फोर्स देन पल्मोनरी सर्कुलेशन, रीजन वही है, इसको पूरी बॉडी ऑर्गन में भेजना होता है, इसको सिर्फ लंग्स के पास भेजना होता है। यार ये क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल के फॉर्म में पूछेगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन की फॉर्म में पूछ लेगा ठीक है। अरे यार ठीक, आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ब्लड कम्स आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बाय एओर्टा, यहाँ एओर्टा एक वेसल है ओके। यार मैं कोई हार्ट का डायग्राम बार बार बनाना पड़ रहा है, अरे यार ये क्या कर रहा है, ये तो मेरा डायग्राम ना इतना घटिया है ना, ये स्पेस ओके। तो देखो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से वो एक एओर्टा नाम के पाइप से, एक वेसल से सॉरी ठीक है, एओर्टा से आता है वो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड पासेस थ्रू द स्मॉल आर्टरीज विच कैरी द ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो एओर्टा होता है इसके बाद छोटी 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 आर्टरीज से पास होता है ताकि वो वेरियस सारी, अब यार ये एओर्टा है वो सारे बॉडी एक साथ ऑर्गन साथ एक साथ तो कनेक्टेड नहीं है, नहीं ये आगे तक लेके जाएगी फिर डिवाइड हो जाएगी, ये आर्टरी एक नेटवर्क टाइप बन जाएगी। याद है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक नेटवर्क टाइप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक नेटवर्क टाइप बन जाएगा ताकि सारी बॉडीज में खून पहुंच पाए। अब यार एओर्टा अकेला पूरी बॉडी ऑर्गन में नहीं पहुंचा पाएगा, उसको आगे डिवाइड होना पड़ेगा, तो ये स्मॉल आर्टरीज में डिवाइड होता है, स्मॉल आर्टरीज और आगे डिवाइड होगी और आगे डिवाइड, वो तब तक डिवाइड होगी जब तक वो आर्टरियोल्स में डिवाइड ना हो जाए, आर्टरियोल्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ आर्टरीज ओके। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरियोल्स हैव नैरो पैसेज परफॉर्म फंक्शंस, आर्टरियोल्स जो होते हैं उसका पैसेज जो होता है नैरो होता है ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ आर्टरियल ब्लड प्रेशर, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, हाँ मेंटेन करता है आर्टरियल ब्लड प्रेशर को, रेगुलेट करता है
ब्लड को फ्लो करता है कैपिलरीज में, ठीक है। आपको आर्टरियल ब्लड प्रेशर के बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पी पढ़ रहे हो पी के हिसाब से पढ़ो, बस ये याद रखो कि मेंटेन करता है आर्टरियल ब्लड प्रेशर और ये ब्लड को फ्लो करता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज हैव थिन वॉल्स सो एक्सचेंज कैन टेक प्लेस बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा इस पेज के बाद, तो आपको दिखाता हूँ कि कैपिलरीज की थिन वॉल होता है, तभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्यों थिन वॉल होती है। देखो डायग्राम, ये जो आपको रेड खून दिख रहा है, रेड वाला होगा ऑक्सीजनेटेड, ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड, ओके। तो ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से गया एओर्टा से, एओर्टा से आया वो पूरी बॉडी ऑर्गन्स में गया, यहाँ पे वो समझ लो है, ये देखो छोटे छोटे, ये देखो ध्यान से देखो, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और छोटे छोटे डिवाइड हो रहा है और छोटा, एकदम छोटे छोटे सर्कल्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड हो जाता है ये और ये तो बन जाता है बंच ऑफ कैपिलरी, ये कैपिलरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थिन वॉल क्यों होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था इसमें वो चला जाता है यूटिलाइजेशन में, और जो गंदगी है वो वापस इसके अंदर आ जाती है। इसके लिए यार इसकी थिन वॉल होनी पड़ती है, इसके लिए इसकी कैपिलरी इसकी वॉल थिन होती है ताकि वो ऑक्सीजन को निकाल पाए और CO2 को ले पाए। ओके सो सॉरी गाइस, तो वीडियो को पॉज करना पड़ा, अब गला थोड़ा ठीक है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सूख गया था, ओके, और थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, कोई बात नहीं, पानी पी लिया, एकदम सही हो गया। ओके तो मैंने बताया कि थिन वॉल थिन क्यों होती है वॉल हमारी इस कैपिलरीज की, ओके तो समझ गए, ओके क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 का इनटेक आउटटेक हो पाए तो उसके लिए थिन होना पड़ेगा। आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन फ्रॉम राइट ऑरिकल द ब्लड पासिस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना यार, वापस बनाना पड़ेगा क्या, ये राइट ऑरिकल है, यहाँ से ब्लड पास होता है राइट वेंट्रिकल में, ये रहा राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे होता है नीचे ही, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लड गोज इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड बाहर निकलता है, याद है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। पल्मोनरी आर्टरी डिवाइडेड टू कैरी द ब्लड लेफ्ट एंड राइट लंग, पल्मोनरी यहाँ पे हमारी लंग्स है दोनों, पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इधर चली गई एक इस वाली लंग्स में चली गई, ठीक है समझ आना डायग्राम। अभी इन लंग्स आर्टरी ब्रेक्स इनटू स्मॉलर आर्टरीज टू आर्टरियोल्स, वापस ये जो आर्टरीज है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो स्मॉल 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 पार्ट में टूट के आर्टरियोल्स तक डिवाइड होगी, और कहाँ तक चली जाएगी, पल्मोनरी कैपिलरीज तक, यानी कि ऊपर भी कैपिलरीज है। अभी वापस आपको पिछला वाला डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। ब्लड टेक्स O2 एंड लीव्स CO2, यहाँ पे लंग्स में ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है यानी कि अच्छा ब्लड आता है, और CO2 इधर प्योरीफाई हो जाता है यानी कि निकल जाता है, CO2 इधर ब्लड से CO2 निकल जाता है और O2 डल जाता है, वापस वो पूरी बॉडी में जाएगा। पल्मोनरी कैपिलरीज यूनाइट अंटिल वेन्स आर फॉर्म, वो वापस कैपिलरीज जो है, देखो यहाँ पे देखना, ये आर्टरीज थी, ये आर्टरियोल्स में डिवाइड हुई, फिर यहाँ पे कैपिलरी बन गई, और कैपिलरी तब तक डिवाइड होती रहेगी जब तक वो वेन्स में ना बन जाए, मतलब सॉरी मर्ज उतनी होती रहेगी जब तक कैपिलरी जो है वो यूनाइट ना हो जाए, जब तक वो वेन्स ना बना ले, जब तक वो वेन्स नहीं बनेगी तब तक वो और यूनाइट और यूनाइट और यूनाइट मतलब मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी और वेन्स का फॉर्म कर लेगी। ब्लड कम्स बैक टू द हार्ट बाय 4 पल्मोनरी वेन्स टू लेफ्ट ऑरिकल। यार अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, वैसे तो बचपन से मतलब जब से आप ये हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो तब से वो सवाल आ ही रहा है, फिर मैं पूछ लेता हूँ एक बार, ठीक है, कि यार जब हम लोग यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाते थे तभी भी एक आर्टरी से लेके जाते थे तब वो ऑक्सीजनेटेड होता था, लेकिन अब हम जब लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास लेके जा रहे हैं वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो भी आर्टरी लेके जा रही है, ये क्या हो रहा है, यानी कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड भी कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड भी, ये कैसे हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, आर्टरीज एक्चुअली क्या होता है, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन इस केस में सिर्फ इस केस में हार्ट से लंग के केस में सिर्फ हार्ट से लंग के केस में आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है बहुत ही बढ़िया। तो एक बार मैं आपको बोला था ये डायग्राम फिर से दिखा दूंगा, ये देखो ये लंग्स के पास गई, कैपिलरीज का फॉर्मेशन किया, दिख रहा है कैपिलरीज का फॉर्मेशन, ठीक है, ये आर्टरीज में बनी कैपिलरीज तब तक मर्ज हुई जब तक वो वेन्स ना बना ले, वापस वेन्स से हार्ट में आ गई, ठीक है ओके। तो अभी हम इतनी बातें कर रहे हैं आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज ये सब क्या थी, मैंने आपको पहले बता दिया, वैसे तो ये एक ब्लड वेसल्स थी, तीन तरह की थी, आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज, देखो इनके बाजू में कलर लिखा है इससे पता चला कि कौन सा ब्लड कैरी करते हैं लोग, आर्टरीज रेड यानी कि ऑक्सीजनेटेड, वेन्स ब्लू यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, कैपिलरीज बंच, ओके
तो पहले वेन्स के बारे में देख लेंगे, वेन्स क्या होता है भाई? आर ब्लड वेसल्स डेट कैरी यूज ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी कि जो यूज हो गया है ब्लड वो हार्ट में वापस, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. द हार्ट सेंड द ब्लड बैक टू द लंग्स टू पिक द मोर ऑक्सीजन. ठीक है, हार्ट लंग्स के पास भेजता है ताकि और भी ऑक्सीजन आ पाए. आगे आर्टरीज अवे वेसल्स आर ब्लड वेसल्स डेट कैरी अवे ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को दूर लेके जाता है वो हार्ट से, यानी कि पूरी बॉडी में कौन ब्लड फैलाता है? आर्टरीज. यार इतनी देर से स्टार्टिंग से हम आर्टरीज वेन कर रहे हैं, फिर अब तो ये मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं कि शायद आर्टरीज ब्लड को लेके जाती. अभी इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने शायद बता दिया था. ठीक है, सॉरी. द एओटा विद इन द हार्ट इज लार्जेस्ट आर्टरी. एओटा कौन सी ब्लड वेसल है? वो कौन सी ब्लड वेसल है? वो ब्लड को भेजती है हार्ट से पूरी बॉडी ऑर्गन्स में. ओके, द एओटा टेक्स ब्लड विथ ऑक्सीजन एंड डिलीवर्स इट टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी. यार ये जो एओटा है ये आगे आर्टरीज में डिवाइड होती है, आर्टरीज तक डिवाइड होती है लास्ट, क्यों कैपिलरीज में जाती है ब्लड का वो वगैरह वगैरह होता है, एक्सचेंज होता है, CO2 वापस आता है, CO2 वापस आता है. यार इतना ईजी है ना यार, मतलब क्या बताऊँ. अगर आप मेरा क्वेश्चन सीरीज देखोगे ना उसमें आपको इतने ईजी क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक के, बस ये टॉपिक एक बार दिमाग में घुसना चाहिए. ठीक है, अब आती है कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स. सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है क्योंकि इसमें है ही क्या सारा, इसकी खुद की पहचान ही क्या है. हाँ, कैपिलरीज की खुद की पहचान ही क्या है? ये वेन्स और आर्टरी से मिलके तो बना है, तो ये तो छोटा ही होगा. ठीक है, दे ब्रांच ऑफ वेरी एवरी वेन एंड आर्टरी. ऐसे याद रखो यार कि इसकी क्या इज्जत होगी यार, ये खुद ही किसी और के नाम से बना है, वेन और आर्टरी से मिलके बना है, बस इसका नाम कुछ और रख दिया. ठीक है, आगे वेन वी ब्रीथ इन आर लंग्स टेक इन ऑक्सीजन. सही बात है, जब हम सांस लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आता है, द ऑक्सीजन पासिस इन टू द ब्लड थ्रू आर ब्लड वेसल्स. और ये जो ऑक्सीजन आया है ये ऐसे ब्लड में नहीं पहुंचा था, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पहुंचता है हमारे ब्लड में. ओके, सो हमने वेन्स देख लिया, आर्टरीज देख लिया, फंक्शन देख लिया, लोकेशन देख लिया, थोड़ा इंट्रो देख लिया था, सब देख लिया. अब बस थोड़ा फंक्शंस देख लिया कि फंक्शंस होते क्या के सर्कुलेटरी सिस्टम के. लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का. सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ठीक है, हमने हार्ट के बारे में देखा, उसके अंदर क्या क्या था, वाल्व्स भी था, इसमें वाल्व्स नहीं मेंशनड है, वाल्व्स भी था जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को स्टॉप करता है. आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ठीक है, हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप एंड सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ब्लड सर्कुलेशन यूनाइट्स ऑल ऑर्गेनिक सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इन द फंक्शनल यूनिट. फंक्शंस आर, ठीक है, तो ये तो एकदम बच्चों जैसा था कि वो ब्लड को फैलाता है पूरी बॉडी में. क्या क्या था हमारे हार्ट के सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट था, आर्टरीज था, वेन्स था, कैपिलरीज था, वाल्व्स भी थे. ठीक है, अब हम आते हैं मेन फंक्शंस. टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल्स. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को देता है ऑक्सीजन, ऑफकोर्स ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो ऑक्सीजन को देता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो कैपिलरीज में डिवाइड होता है, फिर वो पूरी बॉडी ऑर्गन में जाता है, तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है बॉडी सेल्स तक. तो यार उस ऑक्सीजन, मैंने आपको जैसे क्या बोला था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 तो होता है, साथ में वेस्ट भी होता है, वैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन तो होता है, साथ में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट CO2 अवे फ्रॉम द टू ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स. और यही दूसरा काम देखे तो सेल से लंग्स तक CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. दो पॉइंट तो एकदम जो भी हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे वही थे, तो एकदम बच्चों जैसे हो गए. टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस ऑफ इम्यूनिटी टू वेरियस पार्ट ऑफ अ बॉडी. मैंने भी आपको जस्ट बोला था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब भी होता है जो हमारी बॉडी में और भी हेल्पफुल होता है. ऑक्सीजन के अलावा ये सब चीज़ें भी हेल्पफुल होती है, तो ये भी बाकी सारी बॉडीज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. टू ट्रांसपोर्ट हीट दैट इज थर्मोरेगुलेशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिसको हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन, वो भी फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का. ये आ सकता है एग्जाम में एक मार्क क्वेश्चन में. अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, अप्रोप्रिएट करता है, यानी कि मैं इस पार्ट को कम दूंगा, इस पार्ट को ज़्यादा दूंगा, जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसको दूंगा. ये मोटा है तो उसको ज़्यादा खाना दूंगा, ये पतला है उसको ज़्यादा खाना. ऐसा नहीं कि पतले को मैं कम ही दूंगा क्योंकि वो पतला है, उसको जितनी भूख होगी उसको तब तक खिलाऊंगा मैं, मोटे को जब तक भूख होगी तब तक खिलाऊंगा, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी.
ठीक है। तो यही काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसी के साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है। काफ़ी, अब मैं बोल रहा था काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी वो है, काफ़ी वो है, काफ़ी वो है, कुछ भी नहीं है यार। एक ही चीज़ को ये लोग बार बार बोल रहे हैं, लड़ाता है जाता है, लड़ाता है जाता है। बस याद रखना कैसे आता है कैसे जाता है, ठीक है। मुझे पता है आपको एक बार वापस इसकी रिवीजन चाहिए, कोई बात नहीं, आप मेरे क्वेश्चन आंसर सीरीज में आओगे तब आपको इसका एक रिवीजन मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला एक हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लास्ट टॉपिक बाकी है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए यार, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ कॉम्पिटिशन रख रहे हो तो मत भेजो यार, तब मत शेयर करो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना कि वीडियोज आ रहे हैं यार कंटिन्यू, ठीक है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड फ्यूचर, गुड बाय फ्रेंड्स।